हल्द्वानी में दीपावली त्यौहार को लेकर की फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसको लेकर की अग्निशमन विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश को रद्द कर दिया है। दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं का भय रहता है। हल्द्वानी में प्रमुख जगहों पर फायर ब्रिगेड के वाहन दीपावली तक खड़े रहेंगे। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने कहा कि अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। वहीं प्रशासन की ओर से हल्द्वानी और लालकुआ में पटाखा बाजार लगाने के लिए 11 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन 11 स्थानों पर पटाखों की दुकान 150 से अधिक लगी हुई है और यह दुकानें 12 नवंबर तक लगी रहेंगी। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने MB इंटर कॉलेज में बने पटाखा बाजार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे नहीं बेचे जा सकते। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं नैनीताल ज़िले के समस्त नागरिकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रशासन, पुलिस और फायर टीम पूरी तरह से अलर्ट है। जहाँ जहाँ दुकानें लगी हैं वहाँ वहाँ हमारे टेंडर हैं। जहाँ जहाँ ग्रुप में दुकानें लगी हुई हैं, हमने अभी तीन जगह हल्द्वानी शहर में तीन जगह टेंडर खड़ा करा है। ऊँचा पुल, MB कॉलेज और लाल कुआ, और दो फायर गाड़ी हमारे फायर स्टेशन पर हैं। हम 112 के से संपर्क में है। कोई भी घटना होती है तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। साथ ही मैं एक मैसेज और पास करना चाहूँगा कि इसमें हमें नागरिकों का भी सपोर्ट चाहिए। जब छोटे बच्चे फटाखे फोड़े वो बड़ों के नज़र में फोड़े, और इन केस ऑफ कुछ मिसहैप होता है, कहीं आग लगती है छोटी स्थिति में, तो तुरंत 112 पे कॉल करें। और पानी का थोड़ा व्यवस्था बाहर की तरफ भी रखें, तभी तुरंत कोई जलने पे हम यूज़ कर सकते हैं। दीपावली साल में एक बार होती है, मनानी तो है ही, बढ़िया करके मनानी है। पटाखे लेने भी आए हैं और इधर हल्द्वानी से ही हैं, लोकल ऊंचा पुल से थोड़ा ऊपर रहते हैं। हमारे ऊंचा पुल के नज़दीक प्रशासन कई सालों से यहाँ पे आतिशबाजी की दुकानों के लिए अथॉरिटी देती है। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ही है। पार्किंग का थोड़ा जो है यहाँ पे इशू, थोड़ा पार्किंग का रहता ही है, क्योंकि रोडें कम चौड़ी हैं और ग्राउंड भी उतना बड़ा नहीं है। बाकी वैसे टू व्हीलर के लिए तो बहुत अच्छा है स्पेस। पिछली बार की अपेक्षा इस बार दुकानें अच्छी सजी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार प्रशासन ने लेआउट जो दिया था ग्राउंड का, प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन ने हमें रामला ग्राउंड में, हम कम से कम 8 साल से यहाँ पर पटाखे की बाजारें लगा रहे हैं। हमारे सभी जो हमारे लोकल के यहाँ पर व्यापारी हैं और जो बेरोजगार बच्चे भी हैं वो भी आते हैं इसमें, और अपनी बाजार लगा के हम हर साल यहाँ पर 12-13 दुकानें, 14 दुकानें यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, और प्रशासन हमें पूरा सहयोग करता है। प्रशासन ने ही ये चिन्हित किया है चबुल रामला ग्राउंड, और जिस जगह पर चिन्हित करने के साथ साथ अब पटाखे वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने अपने खाली स्थान पर भी पटाखे की दुकानें लगा दे रहे हैं, वो प्रशासन का काम है। मैं देखता हूँ जैसे मार्केट यहाँ पर चिन्हित कर गई हैं, तो प्रशासन द्वारा बाहर अन्य स्थानों पर भी, खाली स्थानों पर दुकानें दे दी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पटाखा मार्केट जो है बहुत प्रभावित हो रहा है।